अफसर विजय राघवन साहब आप प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं। राघवन साहब, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राघवन साहब, पहला सवाल, सारा देश ये जानना चाहता है, इस समय आरोग्य सेतु ऐप जो कि सबसे बड़े बचाव का एक हथियार बनता हुआ दिख रहा है, इसको दक्षिण कोरिया जापान में भी इसका उपयोग जो रहा है उसका बड़ा लाभ होता दिखा है। राघवन साहब ये जानना चाहेंगे कि अगर आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करना चाहिए, हम भी इंडिया न्यूज के जरिए, आईटीवी के जरिए लाखों करोड़ों दर्शक से ये आग्रह करते हैं कि इस लड़ाई में आप इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। राघवन साहब, आखिर अलर्ट कैसे मिलेगा कि कोई को कोरोना पॉजिटिव मरीज आपके आसपास है? राघवन साहब, जैसे नीता जी ने बताया, मैं जो उन्होंने बताया उसको फिर से दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक तो अलग से बात बताऊंगा कि हमें वायरस से एक स्टेप आगे रहना है। ये वायरस एक अजीब सा वायरस है जिससे जिनका लक्षण भी नहीं है वो भी फैला सकता है। इसीलिए जिनका लक्षण है, जो पॉजिटिव है, उनका कॉन्टैक्ट्स को देखना कौन कौन थे, और उनमें से लोग ऐसे भी होंगे जिनका लक्षण नहीं है, उनको भी टेस्ट करके और उनका क्वारंटीन करनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए जब कोई पॉजिटिव दिखाई देता है तो पीछे टाइम पे जाके एक दिन, दो दिन, पांच दिन, दस दिन, जो भी कॉन्टैक्ट उनके साथ थे उनको वार्निंग दिया जाएगा। राघवन साहब, क्या इसमें यह भी पता चल पाएगा कि आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन की दहलीज पर हैं, आप सामूहिक संक्रमण के घेरे में हैं? क्या यह जानकारी भी इसके जरिए प्राप्त हो सकेगी? हाँ, ये जानकारी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक शॉपिंग मॉल में है या ट्रेन स्टेशन में है, और दो तीन दिन के बाद पता चलता है कि वहां से कोई पॉजिटिव हुआ, तो पूरा जहां भी लोग हैं उनका, उनके पास अगर ऐप हो या फीचर फोन वर्जन हो, उनको संक्रमण, उनको मैसेज आएगी कि ये पॉजिटिव मनुष्य उनके पास। जी राघवन साहब, चूंकि आप प्रधानमंत्री जी के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे, राघवन साहब, लोगों के मन में एक डर है और वो डर दूर करना जरूरी है। डर ये है कि उनकी अपनी निजता जिसे प्राइवेसी कहते हैं, उन्हें डर है स्नूपिंग जिसे जासूसी कहते हैं, अगर वो ये सारी जानकारी इस ऐप में अगर साझा कर रहे हैं तो उनको इस बात का डर है कि सरकार आगे पीछे इसका उपयोग कर सकती है। ये डर का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आपकी ही फोन पे सिक्योर तरह से रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। जब तक आप पॉजिटिव बन जाते हैं तब वो इंफॉर्मेशन सर्वर पे जाती है ताकि हेल्थ अथॉरिटीज आपकी मदद कर सके। जो लोग आपके आसपास थे उनको ये नहीं पता चलता कि आप पॉजिटिव थे या कोई और पॉजिटिव था, आपका जानकारी आप ही के पास है और जब जरूरत पड़े हेल्थ अथॉरिटीज के पास है। दूसरी चीज ये है कि ये डाटा सिर्फ COVID-19 के खिलाफ यूज किया जाएगा और कुछ कारण के लिए नहीं। जो पॉजिटिव नहीं है, जो जिनका कोई पॉजिटिव होने की संभावना नहीं है, उनका 30 दिन के बाद डाटा डिलीट हो जाएगी। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कोई डर हो कि ये डाटा मिसयूज हो या सर्वेलेंस हो, और किसी काम के लिए बिल्कुल नहीं यूज हो जाए होगी, और ये पूरा डाटा COVID-19 के लिए ही है और डिलीट हो जाएगी जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाए। इसमें राघवन साहब एक और जानकारी हम जानना चाहेंगे जो कि दर्शकों के लाभ, उनके फायदे के लिए है। क्या इस तरह से आप इस ऐप में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? अगर आयुष मंत्रालय की बात कहें तो आयुष मंत्रालय ने तमाम सुझाव दिए हैं कि आप ये इस दवाई का सेवन करें, आप घरेलू नुस्खे के जरिए आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, तो इस आरोग्य सेतु ऐप में क्या इस तरह के अलर्ट भी आएंगे कि आप कैसे स्वस्थ रहें, आप किन किन बातों का सेवन करें? बिल्कुल, इसमें हमारे रोज एक्सरसाइज करना जहां तक हो पाए,
ठीक से खाना, पानी पीना सही टाइम पे, ये सब बहुत जरूरी है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। तो ये अलर्ट्स तो आएंगे ही, लेकिन साथ में ये भी मैं बताना चाहता हूँ, आपने एक बढ़िया शब्द यूज किया, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। आरोग्य सेतु क्या करती है, वो आपको डिजिटल इम्यूनिटी देती है, जिस तरह वैक्सीन जब आएगी आपको मेडिकल इम्यूनिटी देगी। डिजिटल इम्यूनिटी इस तरह से देती है क्योंकि आपको बताती है कि आप सुरक्षित हैं और लोगों को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि आप किसी पॉजिटिव केस के पास नहीं आए, और अगर आए तो आपको वार्न करता है और पूरा कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए इसको यूज करना भी बहुत जरूरी है। जी राघवन साहब, एक और सवाल, ये सारी व्यवस्था आरोग्य सेतु को लेकर, इससे सरकार को कितना फायदा होगा, तमाम जानकारियां इकट्ठा करना और इस लड़ाई में इसके उपयोग के जरिए कोरोना को ध्वस्त करना? आरोग्य सेतु ऐप से यानी कि डिजिटल ट्रैकिंग से हम वायरस से एक कदम आगे हैं। इससे क्या फायदा होता है कि हम जैसे लॉकडाउन खोलते हैं, लोगों को काम में रिलीज कर सकते हैं, ये एक तरह की ई पास भी हो सकती है और बता सकती है कि आप सुरक्षित हैं, आप जा सकते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो अलर्ट मिलेगी। इससे इकोनॉमिक रीग्रोथ के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगी। राघवन साहब, एक ऐसा आपके मन में जो आप चाहते हैं कि दर्शकों से आप साझा करें और दर्शकों से अपील करें, क्योंकि आप डॉक्टर विजय राघवन प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, हम चाहेंगे कि दर्शकों के लिए, क्योंकि आप जो कहेंगे, आज सुबह प्रधानमंत्री ने जो आग्रह किया है उसको लेकर आप एक बार ऐसी कोई अपील जो आपके मन में आपको लगता है कि करना जरूरी है, डॉक्टर राघवन। अगर हमको जान और जहां दोनों चाहिए तो हम जब काम के लिए निकलते हैं हम सुरक्षित भी होना चाहिए हमें, इसलिए हम सब ये ऐप को डाउनलोड करके फीचर फोन वर्जन को यूज करके हम भी सुरक्षित होंगे, हमारे आसपास के लोग भी सुरक्षित होंगे और सारी देश भी सुरक्षित होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय राघवन, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े, आपने तमाम ऐसी जानकारियां साझा की जिसको लेकर लोगों के मन में जो शंका है, जो गलतफहमी है, शायद वो दूर होगी, और आपने अपने संदेश में हमारे दूसरे मेहमान भी जो आए उनका संकेत और संदेश यही है कि अगर एक बचेगा तो सब बचेंगे, और सब बचेंगे तो वो एक भी बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राघवन।